पैकेट आपने बांटे और कहां बांटे? अभी ये अपने विधानसभा के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वार्ड का नाम है नवाबगंज, वहां बांटा गया है। आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से मोदी किट के नाम से हम लोग लगातार पूरे शहर में, पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न कोनों में इसका वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर अभी किया गया, कल भी रात में किया गया था। अभी हम लोग जाएंगे कुछ जगहों पर जहाँ पर भोजन पैकेट ऐसे जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने की समस्या ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन हम लोग सब लोग मिल करके बांट रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय संगठन के अध्यक्ष विद्यासागर राय जी भी हैं और भी संगठन के लोग, आलोक श्रीवास्तव जी संगठन के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, अलग अलग हम लोग जा करके बांट रहे हैं। और सबसे आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें। हम लोग आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम हर घर में मोती किट भिजवाएंगे, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हमें कोरोना की लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है, कोरोना को भगाना है, इसको लेकर के संकल्प के साथ हम लोग आज भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। भोजन सामग्री पैकेट में चावल है, आटा है, दाल है, घी है, तेल है, चीनी है, चाय पत्ती है, बिस्कुट है, साबुन है, सभी चीज़ें हम लोगों ने, मसाला भी है, सभी चीज़ें उसमें रखा हुआ है। और एक व्यक्ति का परिवार, छोटा परिवार, आराम से एक हफ्ता से 10 दिन तक इस पैकेट के उपयोग से अपना परिवार चला सकता है। ऐसे नहीं, पहले पढ़ाइए, बिस्कुट दीजिए, भाई ले लीजिए भैया। नहीं बाइक नहीं, बस पानी का। जो पूरा बाबत पूरा सगर बांटे हैं, पब्लिक जो रोड से पैदल जा रही है। इंडिया गणपति मजा आ गया, देश के मजा आ गया। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग। थैंक यू, महादेव महादेव। बाहर न निकलने पर जो लॉकडाउन जो है उल्लंघन होने पर खाना पीना इन लोगों का समय समय से आ जा रहा है, ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आज मैंने अपने यहाँ पातालपुरी मठ में मठ के तरफ से और जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है उसके तरफ से हम लोग मिल करके आज जो पीड़ित हैं, कोरोना से पीड़ित हैं और उसके कोरोना के कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, भूखे प्यासे हैं, सो जा रहे हैं, कई रिक्शा वाले हैं जिनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है तो भूखे सो जा रहे हैं, उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। 300-400 पैकेट रोजीना वितरण होंगे बन करके यहाँ पर,
और उनको कम से कम एक टाइम भोजन तो मिल सके 24 घंटा में, ये इसलिए आज शुरू की गई है। जब तक ये डाउनलॉग चलेगा तब तक यह कार्य चलता रहेगा। जिस तरीके से मठ मंदिर आपके मठ से ये शुरुआत हुई है, और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी मठाधीशों से कहेंगे जो जिसकी जितनी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे विषम परिस्थितियों के समय प्रदेश के साथ खड़े होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट पूरे जी जान से लगी है, हर स्तर से लगी है, किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी ना पड़ जाए, गवर्नमेंट कहीं से भी छूता नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी जो जाने अनजाने में छूट जा रहे हैं उनके लिए हम जो मठाधारी हैं, मठधारी हैं, जो महंत हैं और जो संस्थाएं हैं और जो व्यापारी लोग हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि आप आगे आएं और आकर के जनसेवा करें। यही जनसेवा ही परमात्मा सेवा ही मानी जाती है। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और कार्य पूरा होने पर अतिथि के घर के अंदर वापस जाएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। घर वापस पहुंचते समय हाथ जरूर धोएं और घर से बाहर निकलते समय एक सोशल डिस्टेंस जरूर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। कम से कम 1.5 मीटर की दूरी से दूसरे के पास खड़ी हुए। यदि आपके आस पास कोई गरीब व्यक्ति हो जिसको खाने या किसी अन्य प्रकार की असुविधा हो तो चौकी नाटी दिल्ली या थाना तीर्थगढ़ से संपर्क करें। हेल्प आज वाराणसी पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, कई लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी थाने पे कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसी के लिए थाने के द्वारा हमारे इंस्पेक्टर साहब के स्तर पे और जो लोग हैं हमारे सबने मिल करके जो है यहाँ पे जो लोगों को चिन्हित किया गया था कैसे कितने लोग हैं, तो पता चला कि कुछ बिहार के लोग हैं, कुछ सैयद राजा के लोग हैं, कुछ गाजीपुर के लोग हैं जो कि यहाँ पर मजदूरी का काम करते थे, और अभी चूँकि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है इनका, तो इस वजह से खाने की समस्या आ रही है। उसी के लिए हम उनको जो राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें आटा है, चावल है, दाल है और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रस भी हम दे रहे हैं ताकि वो अपना जो भी खाने की जो समस्या है वो उनकी दूर हो पाए। इसके अलावा भी हम और व्यापक स्तर पे इसका और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी मदद करेंगे ताकि कोई भी भूख से ये सोए नहीं, भूखा कोई सोए नहीं। तो किसी भी तरीके से हम ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं ताकि सबको हम मदद पहुंचा सकें। सर, ये टाइमिंग क्या है वितरण की, सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम? देखिए, जैसे ही हमारे पास सूचना आ रही है कि हमारे यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है, हमारे यहाँ राशन नहीं है, तो तत्काल जो है पुलिस के द्वारा, PRV के द्वारा, खुद हमारे थाने की गाड़ी के माध्यम से हम उन तक राशन जो है वो पहुँचा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना सोए। सर, ऐसे लोग जो चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी, क्या कुछ करें कि वो पुलिस से सहायता उन्हें मिल पाए? देखिए, सबको ये अलग, इसके लिए अलग से एक कार्य योजना भी बन रही है, लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है, एक कंट्रोल नंबर भी दिया जा रहा है ताकि कोई भी किसी को भी कोई समस्या है तो वो फ़ोन कर सकता है, 112 पे सूचना दे सकता है। 112 पे भी कई सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं कि लोगों के पास खाने को के लिए राशन नहीं है, तो कुछ ये वो लोग हैं जो बाहर के हैं और मजदूरी यहाँ पे करते हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं आ रही है क्योंकि दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग अपना सामान खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मजदूरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए समस्या आ रही है, तो उनको जो है हम कई NGO के माध्यम से, थाने के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, सभी स्तरों से उनको हम ये मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ लोग जो है लॉकडाउन के तहत जो है यहाँ पे आकर के फंस चुके हैं, तो उनको क्या भेजने का या उनकी कैसे व्यवस्था? देखिए, काफ़ी दूर से लोग आए हैं और 3-4 महीने से हैं यहाँ पे, तो कोई जालौन का है, कुछ ललितपुर के हैं, तो हमारा उसके लिए यहाँ पे अलग अलग रैन बसेरे जो है वो चिन्हित किए जा रहे हैं
अभी वरुणा गार्डन के पास भी एक सिक्रोल रैन बसेरा है, वहाँ पर हम लोगों को शिफ्ट किए हैं अभी काफ़ी अधिक संख्या में, और वहाँ पर तीनों टाइम उनको खाना दे रहे हैं। तो ऐसे जो भी लोग जो हमें मिल रहे हैं रोड पर, उनको भी हम रैन बसेरे में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ बैठे हैं क्या लोग?